चंदौली में 8 ANM को मिला नियुक्ति पत्र। DM निखिल टीकाराम ने सबको नियुक्ति पत्र सौंपा। स्वास्थ्य विभाग में नियुक्ति पत्र मिलने के बाद लाभार्थियों के चेहरे खिल उठे। कार्यक्रम में भाजपा विधायक रमेश जायसवाल और कैलाश खरवार मौजूद रहे। देखिए हमारे संवाददाता चंदन सिंह की रिपोर्ट। आज प्रदेश में सभी नवनियुक्त हमारे ANM का नियुक्ति पत्र का वितरण कार्यक्रम लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में किया गया। उसी के क्रम में जनपद चंदौली में भी जो हमारे नवनियुक्त ANM है, 8 ANM का यहाँ पर चयन हुआ है। उन सभी को हमारे माननीय विधायक श्री रमेश जायसवाल एवं माननीय विधायक श्री कैलाश खरवार जी इनके अनुरोध से हम लोगों ने यहाँ नियुक्ति पत्र दिया है। हम लोगों ने जो नवनियुक्त हमारी ANM बहनें हैं उनका स्वास्थ्य परिवार में स्वागत किया है और कामना की है कि जो गवर्नमेंट की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित, उसमें वो पूरा योगदान अपना समय से देगी। राज्यपाल है, मैं चकिया ब्लॉक और अमरावती से रहने वाली हूँ। मेरा ANM पद पे नियुक्ति हुआ है। मैं 5 साल से सोनभद्र जिला में 54 ब्लॉक में काम कर रही थी। मुझे बहुत बहुत ही खुशी हो रही है कि 5 साल के बाद आज हमको फ्रेश अच्छे जगह पे पोस्टिंग हुई। कितना मेहनत करने के बाद कितनी बहुत हम लोग पापड़ बेले हैं इस नौकरी के लिए। इसके लिए हम अपने मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार कर रहे हैं कि अमूल्य समय अपना हम लोग को दिए हैं। जैसे फ्रेश ज्वाइन के टाइम ये हुआ था कि प्रोविजनल वालों को शायद ये चीज़ न मिल पाए, लेकिन हम बहुत आभार कर रहे हैं कि हम लोग को भी वही पद वैसे ही सम्मान दिया जा रहा है। हम अपना आपको कहीं परेशान होना या कहीं पैसा वगैरह इस तरह नहीं, ये भर्ती एकदम निष्फल है। इसमें न किसी तरह का धोखाधड़ी हुआ है, न किसी तरह का एक भी पैसा किसी को घुस देना पड़ा है। एकदम निष्फल है, फ्रेश है, किसी से किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ है। हम चंदौली जिले से रहने वाले हैं, सकलिया ब्लॉक में। हाँ, किस पद के लिए आपको नियुक्ति पत्र मिला? आज महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ती के पद पर हमारे जो हमको हम लोगों को नियुक्ति पत्र मिला है। आज हम लोगों को बहुत ही खुशी का दिन है और आज हम लोग अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। चयन एकदम निष्पक्ष, एकदम पारदर्शी तरीके से, इसमें कहीं भी परीक्षा से लेकर नियुक्ति पत्र वितरण तक एक भी पैसा किसी हम लोगों का नहीं लगा है। आगे आपको लंबी जिम्मेदारी मिले, दायित्व का निर्वहन कैसे करेंगे? मैं अपने दायित्व का निर्वहन पूरी ईमानदारी के साथ, श्रद्धा के साथ करना चाहती हूँ और इस भर्ती के लिए हम अपने आदरणीय श्री आदित्य योगी नाथ जी को, मुख्यमंत्री जी को, हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं जितना भी उनको धन्यवाद दूँ उतना ही कम है, क्योंकि ये भर्ती हम लोगों के लिए एक बहुत ही खुशी का दिन है। आज हम लोगों की इतना खुशी का दिन है, हम उस खुशी को अपने शब्दों में बयान नहीं कर पा सकते। और सबसे ज़्यादा खुशी तो हम लोगों को इस बात की है कि हम अधिकतर बहनों को गृह जनपद मिला है, ताकि हम अपने घर परिवार को भी देख सकें और रोजगार भी कर सकें। इसके